हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड ऑफ लीनियर मेजरमेंट तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लीनियर मेजरमेंट कैसे करते हैं कोई भी लाइन की लीनियर मेजरमेंट करना है या स्ट्रेट मेजरमेंट करना रहता है हमको तो उसका कैसे प्रोसेस करते हैं कैसे मेजरमेंट करते हैं उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो so, बहुत सारे मेथड हैं जो कि डिजिटल मेथड से भी करते हैं और डायरेक्ट मेथड से भी कर लेते हैं सपोज अगर हमको यहाँ से मून की डिस्टेंस मेजरमेंट करना तो ये तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं ये डिजिटल मेथड से ही होगा और सपोज अगर किसी कमरे की हाइट और लेंथ मेजर करनी रहती है या एरिया मेजरमेंट करनी रहती है तो वो तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं बाय टेन बाय चेप तो इसी के अकॉर्डिंग तो हम लोग चलिए अब बात करते हैं कि कितने टाइप से मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं और जो कि लीनियर मेजरमेंट करते हैं हम लोग तो चलिए स्टार्ट करते हैं दी फॉलोइंग मेथड्स आर जनरली एम्प्लाइड फॉर लीनियर मेजरमेंट तो यहाँ पर बहुत सारे मेथड हैं जो कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड हमारा क्या है बाई पेसिंग और स्टेपिंग फॉर रफ एंड स्पीडी वर्क डिस्टेंस आर मेजर्ड बाई पेसिंग दैट इज़ बाई काउंटिंग द नंबर ऑफ वॉकिंग स्टेप्स ऑफ ए मैन दॉकिंग इस्टेप्स ऑफ ए मैन इज कंसिडर्ड टू पॉइंट फाइव फीट और एट्टी सेंटीमीटर और जीरो पॉइंट एट मीटर दिस मेथड इज़ जनरली एम्प्लॉयड इन दी रिकोगनाइजेंस ऑफ द प्रोजेक्ट्स आप लोग समझ गए होंगे कि पेशिंग और स्टेपिंग मेथड क्या होता है पेशिंग और इस्टेपिंग मेथड जो होता है जब कोई भी ह्यूमन बॉडी पैदल चलता है तो उसका जो एक स्टेप का डिस्टेंस होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग मेजरमेंट करते हैं इनिशियल मेजरमेंट जिसको कि प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन ऑफ द एरिया बोलते हैं जब स्टार्टिंग जब प्रोजेक्ट लेना रहता है किसी भी कंपनी को दिया जाता है प्रोजेक्ट तो उससे पहले उसका मेजरमेंट होता है तो उसको प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन बोलते हैं जिसको हम लोग रिकोगनाइज सर्वे बोलते हैं तो पेसिंग और स्टेपिंग मेथड में क्या होता है कि जब ह्यूमन बॉडी स्टेप बाय स्टेप पैदल चलता है तो उसके स्टेप का जो डिस्टेंस होता, होता है उसको एक स्टैंडर्ड कंसिडर कर लिया जाता है कि जीरो पॉइंट एट मीटर होता है उसका ह्यूमन का स्टेप तो उसके अकॉर्डिंग जो है कितना स्टेप हो गया तो उस अकॉर्डिंग से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया ह्यूमन बॉडी के द्वारा तो जस्ट हम लोग इसको बोल सकते हैं कि जो पैदल चलते हैं उसमें कितना डिस्टेंस मेजरमेंट कितना स्टेप गया तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो जस्ट वही है बाई पेसिंग और स्टेपिंग मेथड फॉर रफ एंड स्पीडी वर्क और इसमें जो है पेसिंग और स्टेपिंग मेथड जो है वो रफ़ वर्क के लिए किया था और ये बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि अगर स्मॉल एरिया हमको लेना है सपोज एक बाउंड्री है और बाउंड्री के अंडर में हमको सर्वे करना है तो लीनियर मेजरमेंट करना है तो वो हम बाय स्टेपिंग और पेसिंग मेथड से कर सकते हैं देट इज़ बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ वॉकिंग स्टेप्स। इसमें लिखा हुआ है कि जो वॉकिंग स्टेप होता है उसको हम लोग काउंट कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं कि नंबर ऑफ स्टेप्स कितना गया तो एक स्टेप्स का जो डिस्टेंस होता है वो एट्टी सेंटीमीटर मीन्स दैट टू पॉइंट फाइव फोर फीट एंड ज़ीरो पॉइंट एट मीटर द वॉकिंग स्टेप्स ऑफ ए मैन इज कंसिडर्ड टू पॉइंट फाइव फिट और एट्टी सेंटीमीटर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वॉकिंग स्टेप्स जो है ह्यूमन का होता है वो कितना होता है तो वो एट्टी सेंटीमीटर होता है दिस मेथड इज जनरली एम्प्लॉयड इन द रिकोगनाइजेंस सर्वे ऑफ प्रोजेक्ट तो रिकोगनाइजेंस सर्वे के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग प्लेन टेबल सर्विइंग करेंगे तो उसमें प्लान टेबल सर्विंग चैप्टर है एक तो उसमें हम लोग पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि रिकोनाइजेंस सर्वे क्या होता है तो रिकोनाइजेंस सर्वे के बारे में हम थोड़ा सा डिस्ट जब प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन हम किसी भी एरिया का करते हैं तो उसको हम लोग रिकोगनाइजेंस सर्वे बोलते हैं तो पेसिंग और स्टेपिंग मेथड जो है वो हमारा क्लियर हो चुका है कि जब हम लोग कोई भी ह्यूमन बॉडी वॉकिंग डिस्टेंस करता है तो वॉकिंग स्टेप्स जो है वो उसका ज़ीरो पॉइंट एट मीटर काउंट किया था कंसिडर किया था और जितना भी स्टेप चला उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके निकाल लिया जाता है कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और यहाँ से एक पॉइंट से दो दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है तो नेक्स्ट मेथड जो है हमारा वो बाय पासोमीटर ए स्मॉल इंस्ट्रूमेंट जस्ट लाइक ए स्टॉप वॉच द पासोमीटर इज़ यूज्ड फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ स्टेप्स

हर एक मोबाइल फ़ोन में भी देखने को मिलेगा आपको ये पासो मीटर्स तो पासो मीटर्स जो है वो एक स्मॉल इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि डिजिटली होता है और इस डिजिटली इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू ही हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो पासो मीटर से जो है नंबर ऑफ स्टेप्स ऑटोमेटिकली मेजर किया जाता है तो नंबर ऑफ स्टेप्स जो रहता है वो ऑटोमेटिक हम लोग काउंट कर लेते हैं बाय वो डिवाइस काउंट कर लेता है बाय दी स्टेप्स कितना स्टेप्स कोई भी ह्यूमन बॉडी ट्रेवल किया तो उसके अकॉर्डिंग पाँच सौ मीटर्स जो है काउंट कर लिया कर लेता है नंबर ऑफ स्टेप्स जो कि इम्प्रूवमेंट ओवर दी नॉर्मल पेसिंग मेथड व्हेन ए वेरी लॉन्ग डिस्टेंस इज टू बी मेजर्ड एंड व्हेन इट बिकम्स वेरी टीडियस टू काउंट एंड एक्सट्रीमली डिफिकल्ट तो ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आ, यूज नहीं कर सकते हैं, जब हम लोग को पाँच किलोमीटर छः किलोमीटर लीनियर मेजरमेंट करना आता है तो ये इस मेथड को यूज नहीं कर सकते हैं तो नेक्स्ट मेथड जो है हमारा वो बाय पासो सॉरी बाई स्पीडो मीटर तो स्पीडोमीटर जो है हर एक व्हीकल्स में लगा रहता है और जितने भी व्हीकल्स आती है अभी तो वो स्पीडोमीटर रहता है उसमें डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए तो दिस इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल फॉर रिकॉर्डिंग डिस्टेंस और ये ऑटोमेटिक रिकॉर्ड करता है डिस्टेंस को नेक्स्ट जो है हमारा फोर्थ पॉइंट तो वो फोर्थ मेथड तो बाय बाई लेटर और ये सब जितना भी इंस्ट्रूमेंट्स है इसका जो है हम फिगर आपको लास्ट में वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे और आपको आइडेंटिफाई कराएंगे कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है तो बाय प्रेम्बुल लेटर तो प्रेम्बुलेटर जो मेथड होता है इट इज़ ए व्हील फिटेड विथ ए फोर्क एंड हैंडल द व्हील इज ग्रेजुएटेड एंड सोज ए डिस्टेंस पर रिवोल्यूशन और इसमें जो है एक व्हील होता है और एक हैंडल होता है जो कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन काउंट करता है और उसके अकॉर्डिंग ही यह डिस्टेंस मेजरमेंट करता है देयर इज ए डायल विच रिकॉर्ड द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इसमें एक डायल गेज होता है और जो कि नंबर ऑफ़ रिवोल्यूशन को काउंट करता है बाई चेनिंग चेनिंग मेथड जो है वो बहुत एक्यूरेट मेथड है और हर एक जगह हम लोग चेनिंग मेथड ही अभी यूज़ कर रहे हैं हालांकि अभी जो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स भी आ गया बट उतना ये हाई कॉस्ट होने के रीजन से हर एक जगह वो इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल नहीं है तो जनरली हम लोग बाई चेनिंग मेथड से ही लीनियर मेजरमेंट करते हैं दिस इज एन एक्यूरेट एंड कॉमन मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस इन दिस मेथड द डिस्टेंस आर डायरेक्टली मेजर्ड इन द फील्ड बाय चेन और टैप और इस मेथड में जो है हम लोग डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं फील्ड में जा कर के चेन और टैप की हेल्प से तो ये पांच मेथड जो है हम डिस्कस कर लिए लीनियर मेजरमेंट ऑफ द लाइन है जो कि लीनियर मेजरमेंट हम लोग करते हैं तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि ये कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स है उसका फिगर भी दिखा देते हैं तो ये जो है हमारा ये ये चेन है और ये कौन सा चेन है इसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन जनरली जो है इंजीनियर्स चेन ही यूज़ किया जाता है और जिसकी लेंथ जो है वो हंड्रेड फीट होती है ये हमारा जो है ये चेन है और ये जो है ये इंस्ट्रूमेंट्स इसको हम लोग लेटर बोलते हैं यहाँ पर यह डायल गेज है और यहाँ पर हैंडल है और यहाँ पर स्टैंड है इसको खड़ा रखने के लिए और ये जो है हमारा व्हील फिटेड है इसमें और ये व्हील जो है नंबर ऑफ़ रिवोल्यूशन काउंट करता है व्हील जितना बार रिवोल्यूशन करता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है काउंट ऑटो मेजर किया जाता है और ये जो है हमारा ये स्पीडोमीटर है जो कि हर एक व्हीकल्स में लगा रहता है जैसे बाइक हुआ ऑटोमोबाइल ये सब में लगा रहता है तो आप समझ गए होंगे कि लीनियर मेजरमेंट कैसे करते हैं तो और ये इंस्ट्रूमेंट और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे तो आज की वीडियो में इतना ही चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं